हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी कार एक्सेसरीज। अब तो गाइस एक और वीडियो में आपके लिए ले आया हूँ सनी कार एक्सेसरीज की तरफ से। और आज हमारे पास आई हुई है ऑल न्यू ऑल्टो K10। मैं आपको इसकी बैजिंग दिखा देता हूँ, पीछे हमें कुछ इस तरह की यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है। और ये हमारी लेटेस्ट रहने वाली है 2022 मॉडल, और इसमें हमने काफ़ी सारा काम करके दिया है गाइस। तो एक एक करके शुरू हो जाते हैं और बताता हूँ आपको वीडियो में कि हमने इसमें क्या क्या करके दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रेन वाइजर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसपे यहाँ पे हमें ऑल्टो K10 प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह के हमारे डोर वाइजर्स हमारे रहने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने आईपॉप के लगाए हैं डोर गार्ड, जो कि हमारे ब्लैक कलर में रहने वाले हैं। तो व्हाइट और ब्लैक के बारे में तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक अच्छा लुक आ जाता है इसकी वजह से। यहाँ पे पीछे वाले डोर्स में भी आप देख सकते हैं थोड़े छोटे रहने वाले हैं, और आगे वाले डोर्स में हमारे थोड़े से बड़े रहने वाले हैं। इसी के अगर मैं थोड़ा नीचे आपको लेके चलूं तो यहाँ पे हमने लगाई है साइड बीडिंग, जो कि हमारी ऑल्टो K10 की बिल्कुल जैसे हमें जेनुअन देखने को मिलती है उसी लुक में रहने वाली है आफ्टर मार्केट में। तो कुछ इस तरह की इसकी भी लुक यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। व्हील कैप जो हमारे रहने वाले हैं वो हमें कंपनी की तरफ से ही मिले थे, तो इसमें हमने कुछ भी नहीं करा है। यहाँ पे एक और मैं चीज़ की बात करूँ तो हमने नीचे लगाए हैं मड फ्लैप्स, जो कि हमें कंपनी की तरफ से नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पे हमने ऑल्टो K10 के जेनुइन मड फ्लैप्स यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए हैं। पीछे वाले टायर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि हमारा ब्लाइंड स्पॉट मिरर रहने वाला है। तो कुछ इस तरह की इसकी भी लुक आती है। इससे हमें वाइडर रेंज भी देखने को मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं। और इससे हमारी कार की एक लुक भी जो होती है थोड़ी सी एनहांस हो जाती है। इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में। तो रियर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमें कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा LED कैमरा रहने वाला है। और साथ ही साथ हमें रियर में स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, जो कि हमें ब्रेक लाइट के साथ कनेक्टेड हमारी, और ब्रेक लाइट पे ये ग्लो करने वाला है। इसका रिस्पांस मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा। गाइस कुछ इस तरह का रिस्पांस यहाँ पे हमारे स्पॉइलर्स का हमें देखने को मिल जाता है। गाइस अब मैं लेके चलता हूँ आपको कार के इंटीरियर में और बता दूँ कि हमने इसमें क्या क्या करके दिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फ्लोर से। तो ये तुम्हारे नॉर्मल मैट्स रहने वाले हैं, जो कि हमने फ्लोरिंग के ऊपर डाले हैं। तो कुछ इस तरह की हमें यहाँ पे फ्लोरिंग देखने को मिल जाती है, जो कि फुल लेदराइट में रहने वाली है गाइस। और इसकी फिनिशिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पैनल्स के अंदर तक हमने यहाँ पे करके दिए। आप देख सकते हैं पूरा अंदर तक ये यहाँ पे, इवन जो पिलर्स हमारे रहने वाले हैं और जो स्लोप्स रहने वाले हैं वहां तक भी हमने ये बिल्कुल कंप्लीट करके दिया है। तो रख देते हैं मैट्स को वापस। इसके बाद हमने यहाँ पे करा है स्टीयरिंग रैप, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे नॉर्मल स्टीयरिंग रैप रहने वाला है। और इसकी फिटिंग देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे आने वाली है। और इसकी लुक भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अमेजिंग इसकी लुक आने वाली है हमारे स्टीयरिंग की। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने लगाए हैं सीट कवर्स, जो कि हमारे साका लेदर में रहने वाले हैं, और फुल बकेट फिटिंग में ये सीट कवर्स हमारे रहने वाले हैं। इसका यूनिक डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग इसकी जो डिज़ाइन हमारी है वो रहने वाली है। और इसकी जो फिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग फिटिंग रहने वाली है एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कुशनिंग करी है, और यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा कुशनिंग करके दी है। तो कुछ इस तरह की फिटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। रियर सीट्स की भी अगर मैं बात करूँ तो आप इसकी फिटिंग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे हमें फिटिंग देखने को मिल जाती है रियर सीट्स की भी। तो कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पे रहने वाला है काम सारा। तो ये हो गए हमारे सीट कवर्स। तो भाई सीट कवर्स के बाद में बात कर लेता हूँ हमारे एंड्रॉयड सिस्टम की। यहाँ पे हमने एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल कराया है, जो कि हमारा मेगासोनिक का एंड्रॉयड रहने वाला है। 2GB रैम 32GB बिल्ड स्टोरेज के साथ ये हमें देखने को मिल जाती है। इसके अगर मैं रिस्पांस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे रिस्पांस हमें देखने को मिल जाता है इसका। और इसमें हमने पीछे जो मैंने आपको रियर कैमरा दिखाया था उसका भी रिस्पांस मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का रिस्पांस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नाइट टाइम में भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ ये नाइट टाइम में भी, नाइट टाइम में भी कुछ इस तरह का अमेजिंग रिस्पांस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है इस कैमराज का। एंड्रॉइड के साथ साथ हमने यहाँ पे स्पीकर इंस्टॉल करे हैं। आगे हमारे रहने वाले हैं जेन्युइन स्पीकर्स रहने वाले हैं गाइस। और पीछे वाले डोर्स में हमने यहाँ पे JBL के स्पीकर्स इंस्टॉल करके दिए हैं, जो कि हमारा स्टेज सीरीज रहने वाला है। और पीछे अगर ट्रे की बात करो तो यहाँ पे हमने ट्रे भी इंस्टॉल करा है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने ओवल स्पीकर्स भी, जो कि हमारे JBL के जेन्युइन रहने वाले हैं, ये भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए हैं। हमारी ऑल्टो का काम तो हो चुका है कम्प्लीट, तो बात कर लेते एक बार ओनर से। तो भैया आप अपना नाम बता दो। और आपका नाम भैया? मेरा नाम नवीन नरवाल भाई। तो भैया आपको बेसिकली काम कैसा लगा? एक नंबर का काम है भाई। बढ़िया काम लगा आपको? बढ़िया काम कितने हो नहीं सकता। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया काम करे भाई। हम रोज हरियाणा जा रहे हैं, और हमने सारे मार्केट में तसल्ली करी, हमने कोई सब चोर लगे ज्यादा पैसे बताओगे। इस भाई ने बहुत अच्छा काम करा, बहुत और जो चीज डाली कम रुपये डाली, बहुत बढ़िया इसने काम करा अपनी जान में। सबसे सुपर मार्केट में यही है बस, और कोई नहीं। ओके भैया, थैंक यू सो मच आने के लिए, मिलते हैं फिर से।
ये मॉडिफिकेशन हुई है सनी कार एक्सेसरीज करोल बाग में। लोकेशन और कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी और अमेजिंग मॉडिफिकेशन वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।